चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोलन जिले के चक्की मोड़ और कोटी में भारी भूस्खलन से यातायात आज लगातार दूसरे दिन भी अवरुद्ध बना हुआ है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण ने सड़क को खोलने के लिए भारी मशीनरी लगाई है। हालांकि लगातार हो रहे भूस्खलन को देखते हुए सड़क खोलने में अभी एक दो दिन का समय लग सकता है। ये सड़क अवरुद्ध होने से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य पथ परिवहन निगम ने भी शिमला से चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए चलने वाली बसों के मार्ग में बदलाव किया है। शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले भारी वाहन वाया कुनिहार, नालागढ़, पिंजौर भेजे जा रहे हैं। कुम्हारहट्टी से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले सभी वाहन नाहन रोड पर डायवर्ट कर दिए गए हैं, जबकि हल्के वाहन जुहड़ाजी वाया कामली मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह चंडीगढ़ से शिमला आने वाले हल्के वाहन परवाणु वाया कसौली धर्मपुर मार्ग का प्रयोग करें, जबकि भारी वाहन कालाअंब नाहन वाया कुम्हारहट्टी मार्ग का प्रयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सोलन संवाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा। प्रदेश सहित हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में भी वर्षा के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जिला के चक्की मोड़ के पास दो जगह भारी लैंडस्लाइड होने के कारण पिछले दो दिनों से रास्ता पूरी तरह से बंद है। प्रशासन ने आवाजाही के लिए रेलवे विभाग से सहायता लेकर के रेलवे ट्रैक का प्रयोग किया जा रहा है और लैंडस्लाइड के दोनों ओर बसों का इंतजाम किया गया है, ताकि लोगों की आवाजाही पे किसी तरह का व्यवधान ना हो। सोलन से दूरदर्शन के लिए लक्ष्मी दत्त। इस बीच शिमला चंडीगढ़ मार्ग अवरुद्ध होने से वाहनों को वाया कुम्हारहट्टी, नाहन और कालाम डायवर्ट किया गया है। इससे नाहन शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है। पुलिस ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है, ताकि यातायात को सुचारू बनाया रखा जा सके। इस मार्ग से भारी संख्या में सेब और सब्जियों से लदे वाहन गुजर रहे हैं। हमारे संवाददाता सतीश शर्मा ने देर रात यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। भूस्खलन के चलते सोलन परमाणु चंडीगढ़ फोर लेन बंद है और इसके बाद नाहन शहर में ट्रैफिक का बोझ बढ़ गया है और जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। नाहन की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से तमाम जो लोडेड गाड़ियाँ हैं वो यहीं से गुजर रही है। सोलन शिमला की तरफ से जितने भी बड़े वाहन जो चंडीगढ़ की तरफ निकलने हैं वो सभी वाहन अब इसी वैकल्पिक मार्ग से होकर निकल रहे हैं। वहीं नाहन शहर में प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती यहां पर जो वो की गई है। 2400 घंटे पुलिस के जवान यहां पर जो वो सड़कों पर तैनात है। 6 IRB बटालियन से करीब 32 अतिरिक्त पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं और मकसद यही है कि किसी भी तरीके से यहां पर जो वो वाहन चालकों को परेशानियों का सामना और ना करना पड़े। और आप दूरदर्शन समाचार के लिए सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से सतीश शर्मा। उधर चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी मंडी के समीप 6 मील के पास आज सुबह पत्थर गिरने से एक बार फिर यातायात कुछ देर के लिए अवरुद्ध हुआ, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। इस बीच प्रदेश में अनेक संपर्क मार्गों पर अभी भी यातायात बाधित बना हुआ है और प्रशासन ने इन्हें खोलने के लिए भारी मशीनरी लगाई है।